नमस्कार दोस्तों, विद्या प्लस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के उत्तपम। सूजी के उत्तपम को हमने सांभर और मसाला दही के साथ सर्व किया है। दोस्तों, सांभर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सूजी उत्तपम बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम हमने सूजी लिया है, 2 बड़े टमाटर काट के लिए है, 2 बड़े प्याज काट कर लिए है, धनिया पत्ता लिया है, 2 बड़े मिर्च काट के लिए है और एक बाउल हमने योगर्ट लिया है। सूजी उत्तपम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बाउल में सूजी को डालना है। इसमें हमने एक बाउल दही मिलाना है। सूजी को हमने सोक करना है। इसे मिक्स करके इसमें हमने एक ग्लास पानी डाल के देखेंगे हम। अभी हमने दूसरा ग्लास पानी डाला है। दोस्तों, पानी डालने से सूजी थोड़ी फूल जाती है, इसके लिए हमने पहले 2 ग्लास डाल के इसे ढककर रहने देना है 15 मिनट तक। अब हमारी सूजी सोक हो गई है। अब हम उत्तपम का बैटर रेडी करेंगे। अब हम इसमें टमाटर काट के डालेंगे। प्याज कटा हुआ डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे। धनिया पत्ता डालेंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब बैटर को हमने अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, हमारा बैटर थोड़ा ठीक है तो हम इसे इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा पतला करेंगे। उत्तपम के लिए हमने इतना ही बैटर ठीक रखना है। अब हम उत्तपम बनाएंगे। सबसे पहले हमने तवे को रखना है, उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देना है और फिर एक भी देना है अच्छे से। सबसे पहले हमने फ्लेम को फास्ट रख के फिर हमने धीमी करनी है। तवा हमारा बैटर डालते समय गर्म होना चाहिए। इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच बैटर डालना है और इसे इवनली अच्छे से फैला देना है। दोस्तों, सूजी का उत्तपम थोड़ा ठीक होता है इसलिए हमने इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाना है। गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम रखेंगे और उत्तपम के आजू बाजू हम ऑयल डाल देंगे, ऊपर भी थोड़ा डालेंगे और इसे हमने 1 से 2 मिनट कुक होने देना है। अब 1 से 2 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम उत्तपम को पलट लेंगे और फिर से हम 1 से 2 मिनट इसे कुक होने देंगे। दूसरी तरफ भी 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे पलटेंगे। बस अब हमारा उत्तपम एकदम रेडी है। गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। अब हम इसे उत्तपम को
सर्व करेंगे। अब हमारा उत्तपम खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने उत्तपम को सांभर और मसाला दही के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।